श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय सप्तम विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार श्लोक संख्या 43, 44 और 45। शब्दार्थ अनुवाद भावार्थ इस डिवाइन ग्रेस इसी भक्ति स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। वेदामंग परमस्य योग मायां यूयं भवश्च भगवान अथ दैत्य भर्यः पत्नी मनोह सच मनुष्य तदात्मजाश्च प्राचीन बर्हिरुबुरंग उत ध्रुवश्च इक्ष्वाकुरैल मुचुकुंद विदेह गाधि रग्वं बरीश सगरागया नाहुषाद्यः मान्दात्र लर्क शतदन्वनुरन्ति देवा देवव्रतो बलिरमूर्तय रयो दिलीपः सौभर्युतं कशिबिदेवल पिप्पलाद सारस्वतोद्धव पराशर भूरिषेण यन्ये विभीषण हनुमदुपेन्द्र दत्त पार्थार्षिषेण विदुर श्रुत देव वर्या। शब्दार्थ वेद इसे जानो अहम मैं अंग हे नारद परमस्य परमेश्वर की ही निश्चय ही योग मायाम शक्ति युयम तुम भवः शिव च तथा भगवान परम देव अथ भी दैत्यवर्यः नास्तिक के कुल में उत्पन्न महान भगवत भक्त प्रहलाद महाराज पत्नी शतरूपा मनोहो मनु की सह वह च भी मनुहु स्वयंभू च तथा तत आत्मजा च तथा उनकी संतान है यथा प्रियव्रत उत्तानपाद देवहूति इत्यादि। प्राचीन बर्हि प्राचीन बर्हि रुभु रुभु अंगह अंग उत भी ध्रुवः ध्रुव च तथा इक्ष्वाकुहु इक्ष्वाकु ऐल ऐल मुचुकुंदा मुचुकुंदा विदेह महाराज जनक गाधी गाधी रघु रघु अम्बरीशा अम्बरीश सगरा सगर गया गया नाहुषा नाहुषा आद्या इत्यादि मान्धातृ मान्धाता अलर्का अलर्का शतधनु शतधनु अनु अनु रंतिदेव देवव्रतः भीष्म बलिः बलि अमूर्तरयः अमूर्तरयः दिलीपः दिलीप सौभरि उतंक उतंक शिवि शिवि देवला देवल पिप्पलादा पिप्पलादा सारस्वता उद्धव उद्धव पराशर भूरिषेण ये जो अन्य विभीषण हनुमत हनुमान
उपेंद्र दत्ता, सुखदेव गोस्वामी, पार्थ, अर्जुन, आर्ष्टिषेण, आर्ष्टिषेण, विदुरा, विदुर, श्रुतदेवा, श्रुतदेवा, वर्यः, अग्रणी श्रेष्ठ, अनुवाद पढ़ता हूँ मैं, अनुवाद और भावार्थ, लेकिन ध्यान से सुनिए, सब भगवान के महान भक्तों का नाम है और सिर्फ उनका स्मरण करने से भी, हम ऐसा नहीं सोचना इतना सारे नाम है, पर इसका स्मरण सुनने से भी और कीर्तन करने से, स्मरण करने से हमारा कल्याण होता है। तो ध्यान से सुनिए, ब्रह्मा जी नारद को कह रहे हैं, हे नारद, यद्यपि भगवान की शक्तियाँ अज्ञेय तथा अपरिमेय है, फिर भी शरणागत जीव होने के नाते हम समझ सकते हैं कि वे योग माया की शक्तियों के द्वारा किस प्रकार कार्य करते हैं। इसी प्रकार भगवान की शक्तियाँ इन सभी को भी ज्ञात है। अभी सबका नाम दे रहे, किसको किसको ज्ञात है। सर्वशक्तिमान शिव, नास्तिक कुल के महान राजा प्रहलाद महाराज, स्वयंभू मनु, उनकी पत्नी शतरूपा, उनके पुत्र तथा पुत्रियाँ जैसे प्रियव्रत, उत्तानपाद, आकुति, देवहूति तथा प्रसूति, प्राचीन बरही, रुभु, वेन के पिता अंग, महाराज ध्रुव, इक्ष्वाकु, ऐल, मुचुकुंद, महाराज जनक, गाधी, रघु, अम्बरीश, सगर, गय, नाहुष, मांधाता, अलर्क, शतधनु, अनु, रंतिदेव, भीष्म, बलि, अमूर्तरय, दिलीप, सौभरी, उत्तंक, शिबी, देवल, पिप्पलाद, सारस्वत, उद्धव, पराशर, भूरिषेण, विभीषण, हनुमान, सुखदेव गोस्वामी, अर्जुन, आष्टिषेण, विदुर, श्रुतदेव इत्यादि। इन सबको मालूम है, भगवान का ज्ञान है इन सबके पास। तात्पर्य, जैसा कि ऊपर कहा गया है, भूतकाल या वर्तमान काल में भगवान के जितने भक्त हुए हैं तथा भविष्य में भी जितने भी भक्त होंगे, वे सब भगवान की विभिन्न शक्तियों के साथ साथ उनके नाम, गुण, लीला, पार्षदगण, व्यक्तित्व इत्यादि की शक्तियों से अवगत रहते हैं। वे उन्हें किस प्रकार जानते हैं, निश्चय ही ऐसा न तो कल्पना से और न ज्ञानेन्द्रियों की सीमित सहायता से होता है। यानी हमारी कल्पना और हमारी इंद्रियों, आँख, नाक, कान, इनकी सीमित सहायता से नहीं होता है। ज्ञान के सीमित उपकरणों द्वारा, चाहे शारीरिक इंद्रियां हों या भौतिक सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी जैसे उपकरण, हम अपनी आंखों के सामने प्रकट होने वाली भगवान की भौतिक शक्तियों को भी ठीक से नहीं जान पाते। उदाहरणार्थ, विज्ञानियों की गणना से परे कोटि कोटि ग्रह विद्यमान हैं, करोड़ों ग्रह लोक विद्यमान हैं, किंतु ये केवल भगवान की भौतिक शक्ति के ही प्राकट्य है। विज्ञानी ऐसे भौतिक प्रयासों द्वारा भला भगवान की आध्यात्मिक शक्ति के विषय में जानने की क्या आशा कर सकते हैं। यदि तथा हो सकता है, जैसे दर्जन मानसिक तर्क वितर्क से ज्ञान की प्रगति नहीं हो सकती। ये जो वैज्ञानिक बोलते हैं, यदि हमको थोड़ा समय मिलेगा तो हम जीव बना देंगे, नहीं नहीं जीव बनाएंगे। अच्छा। प्रभुपाद ने चैलेंज दिया कि आप सब जानते हैं, आप बोलते आत्मा नहीं है, तो अब एक छोटी सी चींटी बना के दे दो। चींटी आपसे तो मुर्गी महान है कि मुर्गी एक अंडा दे के दूसरी मुर्गी बना देती है, तुम एक चींटी बना के दो अपनी लैब में। लेकिन वो बोलते हैं हम ढूंढ लेंगे, ये कैसे जीव बनता है। फिर वो शब्दों की माया जाल बनाते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये वो। तो ये बोलते हैं यदि तथा हो सकता है, भविष्य में हो सकता है, जैसे दर्जन मानसिक तर्क वितर्क से ज्ञान की प्रगति नहीं हो सकती, उल्टे ऐसे मानसिक तर्क वितर्क से ईश्वर का अस्तित्व न होना बताया जाएगा। वो लोग ऐसे ही कहते हैं ना, ईश्वर भी कुछ नहीं है,
ये चंद्र खाली है, धूल मिट्टी का बना हुआ है, वहां कोई रहते नहीं है। भागवतम में बोलते हैं रहते हैं, हाँ? चंद्र के अधिष्ठाता देव है, चंद्र देव है, वो बोलते नहीं है। और धीरे धीरे वो सब जगह साबित करते कहीं कोई भगवान भगवान कुछ है नहीं। और प्रभुपाद यही बताते हैं कि ऐसे मानसिक तर्क वितर्क से ईश्वर का अस्तित्व न होना बताया जाएगा और निराशा ही हाथ लगेगी और बात आई गई कर दी जाएगी, निराशा मिलेगी उनको। चंद्र पे 800,000 करोड़ का खर्च करके चंद्रयान भेजा, अभी सब बात चली गई, इधर उधर हो गया ना बात, अभी कौन पूछता है चंद्र पर हम गए कि नहीं। तो ये प्रभुपाद के निराशा ही हाथ लगेगी। बहुत कूद रहे थे लोग, वर्ल्ड कप मैच जीतेंगे, वर्ल्ड कप में निराशा आ गई, चंद्र पर गए हम, भारत चंद्र पर गए, क्या है अभी, क्या है, कुछ आशा नहीं है, निराशा है। ये सब भूल गए, सब सब जानते हैं ये सब वैज्ञानिक लोग कि लोगों को कैसे उल्लू बनाया जाए। क्या मिला, इतना करोड़ों का खर्चा करके क्या मिला आपको, कुछ नहीं। बोला अभी वहाँ रोवर भेजा था, रोवर क्या बोलते उसको, वो बंद हो गया। यही तो हम तो, हमको मालूम था सब बंद होने वाला है। अतः अभी बुद्धिमान मनुष्य अपने लघु मस्तिष्क की सीमा से परे के विषय में के संबंध में तर्क वितर्क नहीं करता। बुद्धिमान क्या करता है, चंद्र पर गए तुम तर्क वितर्क मत करो, सीधा भागवतम शास्त्रों में देख लो, चंद्र पर जा सकते या नहीं जा सकते, इस शरीर से जा सकते कि नहीं, चंद्र कितना दूर है, कैसे पॉसिबल है जाने का, ये सब शास्त्र से देखो। तो बुद्धिमान मनुष्य अपने लघु मस्तिष्क की सीमा के परे के विषय के संबंध में तर्क वितर्क नहीं करता, अपितु वह परमेश्वर को आत्मसमर्पण करना सीखता है। यही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है, जो हमने कल भी देखा कि परमेश्वर को आत्मसमर्पण कर दो ना, बड़े आदमी है वो, इतने बड़े है वो, विभु है, अमाणु है, हम बैक्टीरिया है और भगवान विशाल। इसीलिए बुद्धिशाली मनुष्य परमेश्वर का आत्मसमर्पण करना सीखता है, क्योंकि वे ही उसे वास्तविक ज्ञान तक पहुंचा सकते हैं। भगवान की कृपा होगी तो हम भगवान का सब कुछ जान सकेंगे। उपनिषद में स्पष्ट उल्लेख है कि मात्र कठिन श्रम करने तथा मस्तिष्क पर जोर लगाने से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को कभी नहीं जाने जा सकते, नहीं उन्हें कल्पना तथा शब्द जाल द्वारा जाने जा सकते। ये लोग मायावादी लोग शब्द जाल बिछाते हैं, उससे नहीं जाने जा सकते भगवान। कल्पना कल्पना करो कि भगवान ऐसे है वैसे है, भगवान कल्पना से परे, हमारी कल्पना में क्या करेंगे, हमारी कल्पना का कोई महत्व ही नहीं है। ईश्वर को तो वही जान पाते हैं जो उनका शरणागत है, शरणागति पे आ जाता है सब चीज, कृष्ण की शरणागति। और कृष्ण की शरणागति प्राप्त करने के लिए हम हर रोज भागवतम पढ़ते हैं, हर रोज मंगल आरती करते हैं, हर रोज 16 माला करते हैं, हर रोज बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ये शरणागति का लक्षण है। अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो विरुद्ध है, अनुकूल क्या है, भगवान की सेवा करना, ये अनुकूल है, भक्त रोज करते हैं, और प्रतिकूल क्या है, ये मांस खाना, शराब पीना, चाय पीना, हाँ, इत्यादि बाहर का खाना, ये सब प्रतिकूल है, भक्त त्याग करते हैं। तो ये सर्वविधि शरणागति का लक्षण है, और उसको विश्वास है कृष्ण रक्षण करेंगे। तो ईश्वर को तो वही जान पाएगा जो शरणागत है। यहाँ पर जीवों में सर्वोच्च, ये सब जो लिस्ट यहाँ दिया है ना, सब जीवों ने उच्च लोग हैं, और उसमें भी सर्वोच्च जीव की प्रभुपाद बात करें, यहाँ पर जीवों में सर्वोच्च कौन है, सभी जीवों में सर्वोच्च कौन है, शिव जी, ब्रह्मा जी। तो यहाँ लिखा सर्व, यहाँ पर जीवों में सर्वोच्च जीव की बात है, शिव जी जीव नहीं है, शिव है। यहाँ पर जीवों में सर्वोच्च ब्रह्मा जी ने इस सत्य को अंगीकार किया है, उन्हें अंगीकार किया है। पहला ही लाइन क्या कहते हैं, हे नारद, यद्यपि पर भगवान की शक्तियाँ अग्नेय तथा अपरिमेय है, फिर भी शरणागत जीव होने के नाते हम समझ सकते हैं कि वे योग माया की शक्ति के द्वारा किस प्रकार कार्य करते हैं। यानी शरण, ब्रह्मा जी कबूल करते हैं, सत्य को अंगीकार किया है,
कि भाई भगवान को शरणागत होंगे तो ही हम भगवान को जान पाएंगे। अतः प्रयोगात्मक ज्ञान के व्यर्थ मार्ग का अनुसरण करने में शक्ति का अपव्यय करना छोड़ देना चाहिए। भगवान को ढूंढने निकलना छोड़ दो, ये शक्ति का व्यय है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान के प्रति समर्पित होकर तथा यहाँ पर वर्णित अधिकारी पुरुषों की प्रामाणिकता को स्वीकार करके ज्ञान लाभ करे। ये महत्वपूर्ण है। भगवान के प्रति समर्पित कैसे हो सकते हैं? भगवद गीता पढ़ के और अधिकारी पुरुषों की प्रामाणिकता को स्वीकार कैसे करेंगे? भगवद गीता यथारूप प्रभुपाद जैसे प्रामाणिक व्यक्ति के द्वारा ये यथारूप लिखी गई है भगवद्गीता यथारूप, उनका अनुसरण करके हम ज्ञान लाभ करेंगे। भगवान अनंत होने के कारण योग माया की कृपा से वे उन्हें जानने में शरणागत जीवों की शरणागति की उन्नति के अनुपात में उनकी सहायता करते हैं। यानी जो जिस प्रकार से भगवान के शरणागत है भगवान उसको उसी प्रकार सहायता करके अपने बारे में सब प्रकट करेंगे। बस यही बात है, शरणागत होना है। और हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमें शरणागति का रास्ता मिला है। किस प्रकार भगवान को शरणागत हो? शुद्ध भक्तों का संग, प्रचार, पुस्तक वितरण, यहाँ की सेवा, सेंटर की सेवा है, भगवान का उत्सव, ये सब हमको शरणागति की ओर ले जाते हैं। एकादशी व्रत का पालन और इन सब का सार है प्रचार। प्रचार ही सार है। और प्रचार करने का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण और प्रभावशाली रास्ता है श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम का वितरण। ये सबसे बड़ा प्रचार का है। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है इस ग्रंथ का वितरण करके हम भगवान के शरणागत हो सकते हैं और भगवान को जान सकते हैं उनकी कृपा से। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय। वंशाकृत्य कृपा सिंधु मथुरा ने फोन करने कही दो नहीं के पहले स्पीकर।